स्वतंत्र दिवस की। एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव प्रयास और आज सफलता की ओर, आपकी इस पे विचार? देखिए आप आमिर, मुझे पिछले मैं कहूँगा एक डेढ़ साल से जब भी मिलते थे इसके बारे में बताया करते थे कि वो कहते थे कि मैं सत्यमेव जयते से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, मगर सोल्यूशन शायद हमने बताए, मगर क्या हम खुद मिलके कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि हम सिर्फ सोल्यूशन दिखाएं नहीं, हम खुद करके दिखाएं। तो उन्होंने एक चीज़ चुनी कि पानी की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें लगा महाराष्ट्र में इतने गाँव हैं छोटे छोटे और पानी की समस्या है, कई जगह सूखा पड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम महाराष्ट्र को महाराष्ट्र में पानी ला सकते हैं, हर गांव-गांव में क्या हम उसे सूखा मुक्त कर सकते हैं। तो इस बार उन्होंने ये प्रयास किया कि तीन तालुकों में कुछ 140 गांवों में एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि पानी कहीं ऐसा नहीं कि पानी ख़त्म हो जाता है, पानी बरसता है, मगर पानी हमारे गांव में जमा नहीं होता, गांव से बाहर बह जाता है। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे पानी को सीमित करके गांव में रखा जा सके, ये हमको भी नहीं पता था। तो उन्होंने कैसे इन 140 गांवों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, आमिर ने, सत्या ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, देवेंद्र जी ने, इन सब ने मिल के आज, अभी आप अगर देखते, आपने देखा होगा अंदर वो जो फिल्म भी मैंने देखी, तो बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है। आप यानी हर आदमी रो पड़ता है कि आज इतने गांवों में, 140 गांवों में पानी आ गया है। जहां पानी नहीं हुआ करता उनको कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पानी है कि हम आजू बाजू के 10-12 गांवों में वो दे सकते हैं, और अब इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं और कई गांवों में पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो कमाल है, यानी कोई सोचे तो उस वक्त लगे कि कैसे किया जा सकता है, मगर आज सब ने मिलकर, एक तरह से प्रशासन ने मिलकर, एक तरह से पानी फाउंडेशन ने मिलकर, गाँव के लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर श्रमदान करके ये संभव किया है। तो आई थिंक मेरे लिए तो इससे अच्छा स्वतंत्र दिवस नहीं हो सकता था। आपको लगता है कोई एक फिल्म बनाए अगर आप इस मुद्दे से रिलेटेड तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी? नहीं, वो जो कर रहे हैं वो काफ़ी प्रभावशाली है, मुझे नहीं लगता फिल्म बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद इंस्पायर होकर कर रहे हैं, हर गाँव खुद इंस्पायर होकर कर रहे हैं। थैंक यू।